हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स आज हम आईसी इंजन में सेट नंबर थ्री जिसमें ट्वेंटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चलो फर्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम प्रपलसिव एफिशिएंसी ऑफ टर्बोजेट इंजन इज एट अ स्पीड ऑफ ऑप्शन ए दिया है वन थाउजेंड किलोमीटर पर आवर ऑप्शन बी है टू थाउजेंड किलोमीटर पर आवर ऑप्शन सी है टू थाउजेंड हंड्रेड किलोमीटर पर आवर एंड ऑप्शन डी है थ्री थाउजेंड किलोमीटर पर आवर तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मैक्सिमम प्रोपल्सिव एफिशिएंसी है टर्बोजेट इंजन के लिए उसकी स्पीड होगी 2400 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन सी हमारा राइट right होगा चलो क्वेश्चन नंबर टू द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी टू द करस्पिंग एयर स्टैंडर्ड साइकिल एफिशिएंसी इस कॉल जिसको हम रिलेटिव एफिशिएंसी बोलेंगे ओके द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी टू द करस्पिंग एयर स्टैंडर्ड साइकिल एफिशिएंसी करस्पॉन्डिंग एयर स्टैंडर्ड साइकिल एफिशिएंसी का मतलब है कि डीजल है तो डीजल साइकिल की जो भी एफिशिएंसी है वो लेनी है अगर ऑटो है तो जो भी पेट्रोल साइकिल है उसकी एफिशिएंसी डिनोमीटर में लेनी है लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे रिलेटिव एफिशिएंसी तो ऑप्शन सी हमारा क्या चलो तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनलेट वाल्व ऑफ अ फोर स्टॉक साइकिल इंटरनल कम्बसन एंजिन रिमेन्स ओपन फॉर ऑप्शन ए है वन थर्टी डिग्री ऑप्शन बी है वन एटी डिग्री ऑप्शन सी है टू थर्टी डिग्री एंड ऑप्शन डी है टू सेवेंटी डिग्री कितने डिग्री कितने एंगल पर वो ओपन रहता है तो हमारा आंसर होगा टू थर्टी डिग्री इनलेट वालों के लिए ऑप्शन फॉर है क्वेश्चन नंबर फोर द मिनिम क्रैंकिंग स्पीड इन केस ऑफ पेट्रोल इंजिन इज अबाउट ऑप्शन ए है हाफ द ऑपरेटिंग स्पीड ऑप्शन बी है वन फोर्थ ऑफ द ऑपरेटिंग स्पीड ऑप्शन सी है टू फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड आर ऑप्शन डी है सिक्सटी टू एटी आर तो हमारा आंसर होगा फॉर पेट्रोल इंजीन मिनिमम स्पीड सिक्सटी टू एटी आर चलो क्वेश्चन नंबर फाइव नंबर ऑफ वर्किंग स्टॉक पर मिनिट फॉर अ टू स्टॉक साइकिल एंजिन इज ब्लैंक दिया है द स्पीड ऑफ द इंजन इन आरपीएम ऑप्शन ए है इक्वल ऑप्शन बी वन ऑफ ऑप्शन सी ट्वाइस ऑप्शन डी फोर टाइम्स तो मैंने फोर स्टॉक के लिए भी बताया था कि फोर स्टॉक के लिए जो नंबर ऑफ स्टॉक पर साइकिल होगा वो स्पीड से हाफ होगा लेकिन टू स्टॉक के लिए क्या होगा इक्वल होगा तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है टू स्टॉक के लिए है तो हमारा आंसर होगा इक्वल टू तो. अगर फोर स्टॉक दिया होता तो हाफ होगा वो अगले सेशन में अगले सेट में ये क्वेश्चन भी आ गए थे चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स फ्लेश पॉइंट ऑफ फ्यूल ऑयल इज ऑप्शन ए है मिनिमम टेम्परेचर टू विच ऑयल इज हीटेड इन ऑर्डर टू गिव ऑफ इंफ्लेमेबल वेपर इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू इग्नाइट मोमेंटरीली वेंट ब्रॉट इन कांटेक्ट विद अ फ्लेम ये हमारा सही आंसर है अगर पोर पॉइंट पूछे तो सेक ऑप्शन बी होगा टेम्परेचर एट विच इट सॉलिडिफाई और वंगस ओके तो ये जो फ्लेस पॉइंट है इसके लिए हमारा ऑप्शन ए सही है चलो क्वेश्चन नंबर सेवन पे आ जाते हैं इन पेट्रोल इंजन एडवांसिंग ऑफ द स्पार्क टाइमिंग विल तो जब आप एडवांस में स्पार्क टाइमिंग का जब एडवांस होगा तो नॉकिंग टेंडेंसी में इंक्रीजमेंट होगा नॉकिंग का इंक्रीमेंट होगा तो इंक्रीज होगा हमारा आंसर यस yes. चलो क्वेश्चन नंबर एट पे आ जाते हैं द ब्रेक पावर इज द पावर अवेलेबल इन द इंजन सिलेंडर ऑप्शन बी है एट द क्रैंक साफ्ट ऑप्शन सी है एट द क्रैंक पिन ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज तो मैं आपको बता दूं कि जो भी ब्रेक पावर होता है वो इंजन सिलेंडर के अंदर नहीं होता है वो क्रैंक साफ पे होता है इंजन सिलेंडर के अंदर जो पावर होता है इसको हम इंडिकेटेड पावर बोलते हैं ओके okay, तो हमारा आंसर होगा एट द क्रैंक सैप अगर फ्रिक्शन पावर बोले तो इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर इसको हम फ्रिक्शन पावर बोलेंगे ओके okay, तीन पावर के बारे में मैंने बोला ब्रेक पावर इज़ अवेलेबल एट द एंड ऑफ साप एट द क्रैंक साफ इंडिकेटेड पावर इज अवेलेबल इन द सिलेंडर फ्रिक्शन पावर इज अ सब्सटेक्शन ऑफ इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर अगर ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर करें तो इसको हम मैकेनिकल एफिशिएंसी बोलेंगे फर आइस इंजिन चलो क्वेश्चन नंबर नाइन पे आ जाते हैं इन अ नेचुरली एस्पिरेटेड डीजल इंजिन द एयर इज सप्लाई बाय एयर किससे सप्लाई करते हैं ऑप्शन ए है सुपर चार्जर ऑप्शन बी है सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर ऑप्शन सी है वैक्यूम चेंबर एंड ऑप्शन डी है एन इंजेक्शन ट्यूब तो हमारा आंसर होगा एयर ट्रांसफर एयर लाने के लिए डीजल इंजन में वैक्यूम चैम्बर हम यूज करेंगे चलो क्वेश्चन नंबर टेन सुपर चार्जर इंजन एज कम्पेयर टू एन ऑर्डिनरी इंजन अगर सुपर चार्जर एंजिन है कंपेयर टू ऑर्डिनरी इंजन तो क्या होगा ऑप्शन ए है रिक्वायर्ड स्मॉलर फाउंडेशन यस ऑप्शन सी कंज्यूम लेस लुब्रिकेटिंग ऑयल ये भी सही ऑप्शन सी है इज लाइटर यस ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस तो सही आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दिस चलो क्वेश्चन नंबर इलेवन द एयर फ्यूअल रेशियो ऑफ द पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल बाय कार्ब्यूरेटर कार्ब्यूरेटर क्या चीज़ है तो वो एक ऐसा डिवाइस है जो पेट्रोल इंजन में यूज होता है जो परफेक्टली रेशियो देता है कि एयर को इत, इतना परसेंटेज एयर जानी चाहिए सिलेंडर में और इतना परसेंटेज पेट्रोल फ्यूल में जाना चाहिए तो हमारा आंसर होगा कार्बोरेटर इंजेक्टर डीजल इंजन में यूज होता है गवर्नर क्या है गवर्नर स्पीड को गवर्नर करता है स्पीड जो इंक्रीज और डिक्रीज होती है इसको एवरेज करता है तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ट्वेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरन कंबसन इंजन जनरली आईसी इंजिन इंटरनल कम्बसन इंजिन कौन नहीं है ऑप्शन है टू स्टॉक पेट्रोल इंजिन तो वो इंटरनल कम्बसन इंजिन है ऑप्शन बी है फॉस्टॉक पेट्रोल इंजिन ये भी इंटरनल कम्बसन इंजिन है ऑप्शन सी डीजल इंजिन वो भी इंटरनल कम्बसन इंजिन है ऑप्शन डी है स्टीम टर्बाइन तो स्टीम टर्बाइन हमारा इंटरनल कम्बसन इंजिन नहीं है मैं सिंपल सा डिफरेंस आपको बता दूँ कि जो आईसी इंजन है मीन्स इंटरनल कम्बसन इंजन है एंड एक्सटर्नल कम्बसन इंजन है इसमें मेन डिफरेंस क्या है तो इंटरनल कम्बसन इंजन में जो भी कम्बसन होगा वो इनसाइड द सिलेंडर होगा एंड आई जो भी ईसी इंजन है मीन्स एक्सटर्नल कम्बसन इंजन नाम से ही आपको पता चल जाता है एक्सटर्नल एक्सटर्नल का मतलब क्या है बार तो इसमें कम्बसन आउट ऑफ सिलेंडर सिलेंडर से बार होगा सिंपल एग्जाम्पल भी आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ऑटोमोबिल जो भी हमारे एप्लीकेशन है टू व्हीलर फोर व्हीलर सब इंटरनल कम्बसन इंजन है और पहले जो भी कॉयल से रेलवे चलती थी तो वो सब स्टीम से इसमें जो भी वर्किंग फ्लूड होता है स्टीम होता है वो सब एक्सटर्नल इंजिन है तो क्वेश्चन हमारा है कि कौन इंटरनल कम्बसन इंजिन नहीं है तो स्टीम टर्बाइन नहीं है चलो क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे आ जाता है द स्पार्क इग्निशन इंजिन मैं फिर से बोल दूँ ऐसा ही इंजिन जिसको हम पेट्रोल इंजिन भी बोल सकते हैं ऑटो इंजिन भी बोल सकते हैं इस इसके अलावा जो एयर स्टैंडर्ड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंजिन भी बोल सकते हैं चलो ऑप्शन ए है हीट एंड मिस गवर्निंग ऑप्शन बी है क्वालिटेटिव गवर्निंग ऑप्शन सी है क्वांटिटिटी गवर्निंग कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी तो मैं आपको बता दूं कि जो भी ऐसा ही इंजिन है मीन्स हमारा पेट्रोल इंजिन है वो क्वान्टिटिटी गवर्निंग है इसके आगे वाले सेट में डीजल इंजिन पूछा था और इसमें क्वालिटेटिव का हमारा आंसर था चलो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे आ जाते हैं डीजल इंजिन कैन वर्क ऑन वेरी लीन एयर रेशियो ऑफ द ऑर्डर ऑफ थर्टीन जेम वन अब पेट्रोल इंजन कैन ऑल्सो वर्क ऑन सच अ लीन रेशियो प्रोवाइडेड ऑप्शन ए है इट इज़ प्रॉपरली डिजाइन ऑप्शन बी है बेस्ट क्वालिटी फ्यूल इज यूज ऑप्शन सी कैन नॉट वर्क एज इट इज इम्पॉसिबल व्हील साइज इज प्रॉपर तो मैं आपको बता दूँ हमारा ऑप्शन सी होगा क्योंकि पेट्रोल इंजन में हमारा जो रेशियो होता है वो फिफ्टीन जेम वन होता है थर्टी जेम वन नहीं होता है तो पॉसिबल नहीं है चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग मास्क इनलेट वाल्व इन द एयर पेसेज ऑफ कंप्रेशन इग्निशन इंजिन सी आई एंजिन जिसको हम डीजल इंजिन बोलेंगे इस टू ऑप्शन ए है एन एंड फ्लोरेट कंट्रोल एयर फ्लो इंड्यूस प्राइमरी स्विल एंड डी इंड्यूस सेकेंडरी टर्मिनल्स तो हमारा आंसर होगा इंड्यूस प्राइमरी स्विल। चलो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इन द क्रैंक मेथड ऑफ स्केवेंजिंग द एयर प्रेशर इज प्रोड्यूस बाय तो जो भी इस केवेंजिंग की प्रोसेस है इसमें जो प्रेशर है वो कैसे प्रोड्यूस होता है तो पिस्टन जो भी पिस्टन स्लाइडिंग होता है तो पिस्टन से पर्टिकुलरली प्रेशर प्रोड्यूस होगा सुपर चार्जर है ऑप्शन है ऑप्शन बी है सेंट्रीफ्यूगल पंप, ऑप्शन सी है नेचुरल एस्पिरेटर, ऑप्शन डी है मूवमेंट ऑफ इंजन पिस्टन तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी चलो क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन द ब्रेक पावर ऑफ द इंजन इज गिवन बाय ब्रैकेट में दिया है W इज इक्वल टू ब्रेक लोड और डेड लोड इन न्यूटन एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्म इन मीटर N इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इंजन इन आर S इज इक्वल टू स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग इन न्यूटन D इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ब्रेक टॉम इन मीटर एंड डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ कैपिटल डी एंड स्मॉल डी दिया है ओके okay, तो जो भी ब्रेक पावर है भाई ब्रेक पावर जनरली जनरली इसका फॉर्मूला ईजी है टू पाई एन टी अपन सिक्सटी हम ले लेते हैं लेकिन यहाँ पे सभी इक्वेशन सही है हमारा ब्रेक पावर जो भी है वो रोप ब्रेक डायनोमोमीटर से भी हम फाइंड कर सकते हैं तो ऐसे हम तीन फार्मूला ऐसे ला सकते हैं ऑल ऑफ दिस होगा हमारा आंसर और ब्रेक पावर है वो आउटपुट पावर है आईसी इंजन के लिए और आईपी है इंडिकेटर पावर वो इनपुट पावर है चलो क्वेश्चन नंबर एटीन द टेम्परेचर ऑफ इंटीरियर सरफेस ऑफ सिलेंडर वॉल इन नॉर्मल ऑपरेशन इज नॉट एलो टू एक्सीड तो पर्टिकुलरली कितना टेम्परेचर तक Uh, वो होता है नॉर्मल ऑपरेशन तो 180 डिग्री सेल्सियस होगा चलो क्वेश्चन नंबर 19। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ टू स्टॉक साइकिल इंजन इज ऑलवेज लेस देन अ फोर स्टॉक साइकिल इंजन ओके लेस देन होगा चलो क्वेश्चन नंबर 20। स्केवेंजिंग इज यूजुअली डन टू इंक्रीज कौन सी चीज इंक्रीज करेगा स्केवेंजिंग ऑप्शन ए है थर्मल एफिशिएंसी ऑप्शन बी है स्पीड ऑप्शन सी है पावर आउटपुट एंड ऑप्शन डी है फ्यूअल कंजप्शन तो हम बता दें कि केवेंजिंग से पावर हमारा का वो इंक्रीज होगा पावर आउटपुट इंक्रीज होगा ओके तो ट्वेंटी क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम सेट नंबर फॉर लेके आएंगे तब तक गुड बाय एंड टेक